हेलो स्टूडेंट, आज टीचर्स डे है और सबसे पहले मैं अपने उन सभी टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिनके वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, और स्पेशली फालके सर को, विवेक फालके सर को, जिन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ाया और आज भी मेरे साथ ही हैं और हम लोग मिलके ही इम्पीटस गुरुकुल को रन करते हैं। और उनको इसलिए स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे, जब मैंने क्लास 12th में उनसे पढ़ाई करी, तो मैं पढ़ा तो क्लास 9 से ही रहा था, पर वो होम ट्यूशंस लेता था और छोटी क्लास को, 6th 7th को, और इंटरेस्ट था पढ़ाने में। जब क्लास 12th में था, 12th के बाद, क्योंकि घर की कुछ इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी थी कि कुछ ना कुछ करना था, तो उन्होंने ऐसे में मुझे बोला कि टीचिंग में आ जाओ, और मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने तुरंत हाँ करी और पहले साल ही मैंने 80 स्टूडेंट को पढ़ाया 11th 12th के मिला के। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था और वहाँ से मेरी टीचिंग की शुरुआत हुई। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा और मुझे कभी कोई कन्फ्यूजन भी नहीं हुआ कि मुझे क्या करना है। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था और मैंने टीचिंग में ही अपना करियर बनाना ठीक समझा। इनफैक्ट घर में बहुत प्रेशर था कि गवर्नमेंट जॉब करो या ये करो, पर मेरा एक मानना हमेशा से, और यही चीज़ मैं आप लोगों को भी ट्रांसफर करना चाहता हूँ, कि जो आपका फोकस है, जो आप चाहते हो, आप उसी पर फोकस रहें, कहीं भी डाइवर्ट ना हो। इसलिए मैंने कभी भी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं एग्जाम दिए कि कहीं गलती से हो ना जाए। और अपने टीचिंग करियर में आज करीब करीब 23-24 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, क्योंकि 12th क्लास से पढ़ाना चालू किया था। जो कुछ सीखा है, जो कुछ अनुभव लिए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और मुझे ये नहीं पता है कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ कि नहीं, पर मुझे ये पता है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट जरूर हूँ, क्योंकि आज भी मैं सीखता हूँ। इनफैक्ट आप सब बच्चों से सीखता हूँ, आज हज़ारों बच्चे ऑनलाइन कोर्स से, इम्पीटस से जुड़े हुए हैं, बहुत ही खुशी की बात है। आज सुबह से कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे हैं, बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं। इनफैक्ट कई सारे बच्चों से क्लास की वजह से बात नहीं हो पाई, तो मैं उनको सॉरी कहना चाहूँगा। और ऐसा नहीं कि आज से 20 साल पुराने बच्चों के भी फ़ोन आ रहे हैं, 21 साल पुराने बच्चों के भी फ़ोन आ रहे हैं और कंटिन्यूसली फ़ोन या मैसेज आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं क्लास के भी सभी स्टूडेंट से ये बोलता हूँ कि मुझे ज़्यादा खुशी इस बात में नहीं कि आज आप मुझे विश कर रहे हैं, क्योंकि आज आप मेरे सामने, मुझे जब खुशी होती है जब आप मेरे सामने नहीं हैं। और अगर मैंने कुछ अच्छा आपके लिए किया होगा, अच्छी टीचिंग दी होगी, और अगर आपके करियर में कहीं ना कहीं टर्निंग आई होगी, तो डेफिनेटली आप मुझे याद रखेंगे, और यही मेरे लिए सक्सेस है, यही मेरे लिए अचीवमेंट है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ मैं अपने अनुभव से। नंबर वन, आज का जो समय है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज हर बच्चा बहुत स्ट्रेस में है। मैं चाहता हूं कि आने वाला समय ऐसा हो कि बच्चा टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करे। अब ये कैसे पॉसिबल है इतने कंपटीशन के दौर में? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि मैंने अपने अनुभव से ये सीखा है कि आप सबसे पहले तो पढ़ाई जो करें वो नॉलेज के लिए पढ़ें, मेहनत के साथ करें, ईमानदारी के साथ पढ़ें, कभी भी रैंक ओरिएंटेड पढ़ाई ना करें, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई ना करें। मैंने अपने जीवन में देखा है कि हजारों ऐसे बच्चे थे या है, या आपने भी देखा होगा कि कई सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं यूपीएससी के लिए, पीएससी के लिए, या कैट के लिए, या आईआईटी के लिए, पर कई बार सिलेक्शन नहीं हो पाता। पर जिन्होंने बहुत मेहनत की थी वो आज कहीं ना कहीं बहुत सफलता के मुकाम पर हैं। यानी आपकी की गई मेहनत, आपकी की गई पढ़ाई का कभी नुकसान नहीं हो सकता। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर किसी ने ईमानदारी से मेहनत की हो तो उसको नुकसान हो जाए। आपको ऐसे हजारों केसेस मिलेंगे जिसमें आप देखोगे कि कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता था, बाई चांस नहीं बन पाया, पर आज उसके वजह से हजारों डॉक्टर बन रहे हैं। कई बच्चे कमिश्नर बनना चाहते थे, कलेक्टर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, पर उनके वजह से आज हजारों बच्चे कलेक्टर बन रहे हैं। यानी एक चीज बिल्कुल बेसिकली समझ लीजिए कि अगर आप जीवन में बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप को सफलता ना मिले। सफलता का मायने केवल रिजल्ट या रैंक नहीं है। यही कोशिश मैं हमेशा से करता हूं और आज भी करूंगा। तो नंबर वन, कि आप स्ट्रेस लेके पढ़ाई करना छोड़ दें, और दूसरा, कभी भी रिलेटिव पढ़ाई ना करें, कंपेयरिंग पढ़ाई ना करें, बल्कि एब्सोल्यूट पढ़ाई करें। आपका असेसमेंट आप अपने आप से करें। यही बात मैं क्लासरूम बच्चों से बोलता हूं और सारे ऑनलाइन बच्चों से बोलना चाहूंगा, क्योंकि क्लास में भी कई बार होता है, कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर वो बच्चा 300 क्वेश्चन कर रहा है, हमें टेंशन हो रही है, हम 100 भी नहीं कर पाते। कोई 500 कर रहा है, कोई 100 कर रहा है, कोई 12 घंटे कर रहा है, कोई 6 घंटे पढ़ाई कर रहा है, कोई 2 घंटे पढ़ रहा है। मैं एक ही बात बोलता हूं, आपका असेसमेंट खुद से होना चाहिए। अगर आप जिस दिन आए थे उस दिन अगर आप 10 क्वेश्चन कर पा रहे थे और आज 100 कर पा रहे हो, ये आपका सक्सेस है। आप ये मत देखिए कि वो कितना कर रहा है। अगर आप रिलेटिव पढ़ाई करेंगे, रिलेटिव सोच रख के चलेंगे, तो ही परेशानी या तो ही डिप्रेशन होता है। और आज का समय है कि युवा लोगों को, आप सब यंग बच्चों को जीवन को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, कंट्री को आगे बढ़ाना है, इसलिए स्ट्रेस लेने की आदत छोड़नी पड़ेगी। आज आप देखते हो कई सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि प्रेशर होता है उनके ऊपर। और आप देखिए, कभी भी सुसाइड करने वाले बच्चे नॉर्मली वो होते हैं जो कहीं ना कहीं टॉपर होते हैं, और एक उनके अंदर फेयर होता है कि कहीं इस बार रिजल्ट बिगड़ गया या कुछ कम आया, और इस वजह से ऐसे कदम उठा लेते हैं।
मैं कहूंगा कि ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए। इसलिए इसका एक ही तरीका है कि हम पढ़ाई को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके पढ़ें, और यही कोशिश हम भी करें और सभी लोगों को आगे भी यही दें, अपने छोटे भाई बहन को भी यही मैसेज दें, अपने दोस्तों को भी यही मैसेज दें, पढ़ाई करें, बहुत खुशी के साथ करें, नॉलेज के साथ करें, और कुछ सीखने के लिए पढ़ें। जब आप कुछ सीखने के लिए पढ़ते हैं तो अपने आप रिजल्ट आता है। एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करें, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। हर दिन देखें कि कल से बेहतर अगर आपने आज किया है, और पढ़ाई नहीं, ये बात हर जगह अप्लाई होती है, आपको अपने आज को बेहतर बनाना है और कल से बेहतर आज और आज से बेहतर कल में आपको मेहनत करनी है। अगर आज आप 2 घंटे पढ़ते थे और कल आप 2.5 घंटे पढ़ लो, ये आपकी सक्सेस है। अगर आप कल 2.5 घंटे पढ़ लो और परसों 3 घंटे पढ़ लो, ये आपकी सक्सेस है। जब आप कोई टेस्ट देते हो, पहले टेस्ट में अगर आपने 10 ही अटेम्प्ट किए और दूसरे टेस्ट में 15 किए, तीसरे में 20 किए, ये आपकी सक्सेस है। छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना चालू करो, आप देखोगे कि बहुत जल्दी आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। आज गुरुकुल में हर तरह के कोर्स चलते हैं, हर तरह के बच्चे आते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है जब वो इस बात को समझते हैं। वीक से वीक स्टूडेंट को भी मैंने देखा है, जिनको कई ऐसे स्टूडेंट भी मेरी लाइफ में आए जिनको लगता था जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं बचा, आज वो बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छी अच्छी ऊंचाइयों पर। आज गुरुकुल के बच्चे कम से कम हजारों ऐसे बच्चे होंगे जो इंडिया में नहीं बाहर है, इंडिया में तो है ही पर बाहर भी है, और उनमें कई बच्चे ऐसे थे जिनको जीवन में ऐसा लगता था कुछ नहीं कर सकते, वो निकल गए। क्योंकि मैं एक चीज हमेशा मानता हूं कि अगर हम अपने पास्ट को देख के आज प्रेजेंट सोचेंगे तो कभी भी अच्छा रिजल्ट हो ही नहीं सकता, फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता। हमें यह देखना है कि हम जीवन में क्या चाहते हैं, और उसके वर्क को ही मैं हमेशा बोलता हूं प्रेजेंट, और उसका रिजल्ट होता है पास्ट। अगर हमने देखा कि हमने पीछे ये गलतियां की हैं और फिर एक गलती कर दी, क्योंकि हम उन गलतियों को गिन रहे हैं, इसलिए हम आज अपना प्रेजेंट भी खराब कर रहे हैं। तो मैं आप सभी बच्चों को एक बात बोलना चाहूंगा कि आपका जो भी पास्ट है, अच्छा हो बुरा हो, वॉट एवर, फॉरगेट, सब भूल जाओ। आप बस ये सोचो कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हो, किस लाइन में जाना चाहते हो। यही इंपिटस की एक क्वालिटी है कि मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि आपको इंजीनियरिंग करनी है, या आपको मेडिकल में जाना है, या आपको एमसीए करना है, या कलेक्टर। आपका जो इंटरेस्ट एरिया है, आप पहले ये डिसाइड करिए। इंटरेस्ट एरिया कैसे पता चलता है? जिसमें आपको काम करने में मजा आए, अंदर से खुशी हो, वो होता है इंटरेस्ट एरिया। स्पोर्ट है, गाना है, जो भी है, जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है, पहले उस पर फोकस करिए, उसकी सब कंप्लीट इंफॉर्मेशन लीजिए, किसी के कहने पे नहीं, और फिर उस हिसाब से मेहनत करना चालू करिए, और कल से ज्यादा आज मेहनत करनी है, ये सोच के चलिए। अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, किसी और से कंपेयर ना करें, आप देखेंगे कि आप जीवन में सफल होंगे। और कभी भी किसी चीज से डरे ना, डर ही हमें पीछे करता है। जब हमें ये डर लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, हमारा रिजल्ट क्या होगा, सर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं रिजल्ट आएगा कि नहीं, जब भी कोई बच्चा ये बोलता है, मैं बोलता हूं कि अगर आप ये बोलोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, आप मेहनत करो। भगवान कृष्ण ने बोला है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यानी आपको अपने कर्म पे भरोसा करना चाहिए। और अपने अपने सबके कर्म होते हैं, आपके माता पिता का कर्म है कि वो आपको अच्छी एजुकेशन दे, एक टीचर का कर्म है वो अच्छी एजुकेशन दे, आपका कर्म है आप अच्छे से पढ़ाई करें। अगर आज हर एक चीज पे हम फोकस अपने होके चलेंगे तो हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं टीचर्स डे के दिन ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना ही बोलना चाहूंगा, एक अच्छे स्टूडेंट होने के साथ साथ एक अच्छे सिटीजन भी बनना है, एक अच्छा नागरिक भी बनना है। आपके ऊपर केवल अपनी नहीं, बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सबको पूरा करना है, और एक ईमानदार इंसान बनना है। अगर आप एक ईमानदार बन गए तो बाकी सबकी चिंता छोड़ दीजिए, कम से कम एक बात पक्की कि दुनिया में एक ईमानदार, एक मेहनती आदमी हो जाएगा। मेहनत करना कभी मत छोड़िए, मेहनत का रिजल्ट कभी भी आज तक मैंने नेगेटिव नहीं देखा, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में की गई मेहनत का रिजल्ट पॉजिटिव ही होता है। तो अपने आप को पॉजिटिवली फोकस करके जो भी चाहते हो लाइफ में वो करो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट।